नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। प्रदेश महिला अपराधों में नंबर वन बनता जा रहा है, वहीं रीवा भी शीर्ष में बना हुआ है। पश्चिमी सभ्यता के साथ साथ लोगों की मानसिकता भी इसके लिए जिम्मेदार है। चंद रुपयों के लालच के लिए कुछ लोग समाज को बुराइयों की तरफ धकेल रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं पड़रा स्थित विष्णु विलास होटल का, जहां होटल और मल्टीप्लेक्स संचालक के द्वारा अश्लीलता फैलाई जा रही है। मल्टीप्लेक्स में एक फिल्म का पोस्टर लगाया गया है, जिसमें खुलेआम लड़का लड़की किस कर रहे हैं। इस पर जब नजर निकलने वालों की पड़ी तो लोगों ने आपत्ति जताई है। खासकर कॉलेज और स्कूल की लड़कियों ने बताया कि उन्हें अक्सर शर्मसार होना पड़ता है। सड़क में खड़े मंचलों के द्वारा छींटाकशी की जाती है। हालांकि कुछ संगठन और कॉलेज की छात्राओं ने भी आपत्ति जताई है और चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। आपको बता दें कि इस मल्टीप्लेक्स के संचालक समर्थ सिंह हैं, जिन्हें राजनैतिक और प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है, जिनके द्वारा होटल, बार और मल्टीप्लेक्स संचालित किया गया है। यहां अश्लील पोस्टर लगाया गया है, जिसे आप देखकर स्वयं हैरान रह जाएंगे कि अपने चंद रुपयों के लाभ के लिए संचालक किस तरह से अश्लीलता फैला रहे हैं। हालांकि पूरे मामले को जब पुलिस के सामने लाया गया तो पुलिस विभाग ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि वह उनके अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। वहीं जब नगर निगम के अधीक्षण यंत्री शैलेंद्र शुक्ला से बात की गई तो उन्होंने कहा कि तुरंत कार्रवाई कर उक्त पोस्टर को हटवा देंगे और कार्रवाई करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है या कार्रवाई भी होती है। आपको बता दें कि आए दिन जिले में मासूम बच्चियों से लेकर वृद्ध महिलाओं तक के साथ दुष्कर्म हो रहा है, जिसके लिए सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेवार है तो इस तरह के अश्लील पोस्टर, अश्लील वीडियो और पश्चिमी सभ्यता। आया गया है, इसमें आप लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या गलत है? गलत है, यहाँ हम लोग निकलते हैं शर्मिंदा होना पड़ता है कि इस तरह बोर्ड लगाते हैं। लगाया गया है ये गलत है, इससे हमारी बहन बेटियां निकलती हैं तो उन्हें अपमानित होना पड़ता है, इसमें आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ, ये गलत है। पोस्टर लगे हुए हैं, जो तस्वीरें लगी हैं, जो गलत तरीके से, गलत बच्चे जो हैं गलत नज़रिए से देखते हैं और इसकी वजह से उनका जो मानसिक है तो गलत तरीके से जा रहा है, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो मोबाइल वगैरह में भी गलत चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जिससे बच्चे आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं और उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं, इंटरनेट का ज़माना है और उसमें कुछ गंदी चीज़ें देख करके वो समाज को गंदा कर रहे हैं, क्योंकि समाज में जो बच्चे हैं तो आगे भविष्य युवा हैं, वो आगे भविष्य के लिए हमारे बहुत काम आने वाले हैं। अगर उनके साथ ये सब होता है तो अगर आगे चल करके यही चीज़ें जो हैं तो ख़राब हो गए और निंदनीय है और समाज में इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ये बोझ हटवाया जाए और इस पर कार्यवाही की जाए और जैसे बच्चों पर बुरा असर ना पड़े। ठीक है, नाम बता दीजिए। वो इस तरह नहीं लगना चाहिए, इस तरह का बोर्ड लगना अश्लीलता है और ये अपराध है। आप लोग इसका विरोध कर रही हैं? जी, यहाँ पोस्टर लगा हुआ है, अश्लील तस्वीरें लगी हुई हैं, उसका हम लोग विरोध करते हैं और ये हमारी मानसिकता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या नाम है आपका? निशा तिवारी। होटल बार के सामने ये जो अश्लील पोस्टर लगा है और इसमें GDC कॉलेज की व अन्य लड़कियाँ इसमें विरोध किए हैं कि इसको हटवाना चाहिए, सर इसमें क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, आपने संज्ञान में बात लाई है, इसको अगर इस तरह कोई किया तो जो बहुत ही गलत है, इसको तत्काल कार्रवाई करें। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।